सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं, देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसकी घोषणा की। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब पहले से ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। 20 अप्रैल को लॉकडाउन के बाद ही स्थिति की समीक्षा होगी। सभी क्षेत्रों को परखा जाएगा, हर थाने हर राज्य को बारीकी से परखा जाएगा। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन बातों का जिक्र किया। नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, हमारे इस भारतवर्ष को बचाया है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है, किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है, लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। हमारे संविधान में जिस वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है, यही तो है वो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब का जीवन हमें हर चुनौती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्रम के बलबूते पर पार करने की निरंतर प्रेरणा देता है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को नमन करता हूं। साथियों, ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहारों का भी समय है और वैसे भी भारत तो उत्सवों से भरा रहता है, उत्सवों से हरा रहता है, उत्सवों के बीच खिलखिलाता रहता है। बैसाखी, पोहेला बैशाख, पुथांडू, बोहाग बिहू, विशु के साथ अनेक राज्यों में नए वर्ष की शुरुआत हुई है। लॉकडाउन के इन बंधनों के बीच मैं देश के लोग जिस तरह नियमों का पालन कर रहे हैं, जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ही प्रेरक हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं नए वर्ष पर
आपके आपके परिवारजन के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। साथियों, आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर मॉल हो, थिएटर हो, क्लब हो, जिम हो, बंद करिए जा चुके थे। साथियों, जब हमारे यहां कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। साथियों, वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें, तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। महीना डेढ़ महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती, इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती, समय पर तेज फैसले न लिए होते, तो आज भारत की स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना करते ही रुएं खड़े हो जाते हैं। लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से यह साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये
महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। देश की राज्य सरकारों ने भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं की इकाइयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। 2400 घंटे हर किसी ने अपना जिम्मा संभालने के लिए प्रयास किया है और हालत को संभाला भी है। लेकिन साथियों, इन सब प्रयासों के बीच कोरोना जिस तरह फैल रहा है, उसने विश्व भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स को और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे हो, हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है। और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है, हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए, और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है, तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मेरे देशवासियों, कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। हम नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। साथियों, देश में दवा से लेकर के राशन तक पर्याप्त भंडार है। सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां ये सिर्फ एक लैब थी, वहीं अब 220 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही है। विश्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1500-1600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1,00,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं।
इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ मांग रहा हूं। सात बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन सात बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। विजय होने का हमारे लिए निष्ठापूर्वक करने वाला यह काम है। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रहे। वयम राष्ट्रे जागरयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको, आपके परिवार को,
उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के प्रति जो संबोधन था वो हम सब ने सुना, और इसी के साथ एक बार फिर से आपको बता दें कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा था कि 30 अप्रैल तक इस अवधि को बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि अब 3 मई तक लॉकडाउन भारत में जारी रहेगा और सख्ती के साथ इसका पालन करना होगा। मोटी मोटी बातें आपको एक बार फिर से बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 हफ्ते का वक्त रहेगा, यानी कि 20 अप्रैल तक पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, पूरी समीक्षा की जाएगी, और जिन इलाकों में कोरोना मुक्त जो वो इलाके दिखाई देंगे वहां पर ढील भी दी जाएगी, कुछ जगहों पर अनुमति दी जाएगी लोगों को, कुछ रियायत दी जाएगी। लेकिन अगर फिर से ढील में देखा गया कि वहां पर फिर से मामले बढ़ रहे हैं तो ये जो अनुमति दी जाएगी, जो रियायत दी जाएगी, वो छीन भी ली जाएगी। फिलहाल आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि 7 बातों में देश का उन्हें साथ चाहिए। उन बातों का भी एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं, जिसमें 7 बातों का साथ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि बुजुर्गों, बीमार लोगों का हमें ख्याल रखना है, लॉकडाउन लक्ष्मण रेखा हमें माननी पड़ेगी, मास्क हमें पहनना होगा, अपना ख्याल रखना है, इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसे हमें बढ़ाए रखना है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दिल्ली से प्रीति पांडे जुड़ गई हैं, कोमल जुड़ गई हैं, मुंबई से वसीम जुड़ चुके हैं। प्रीति, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन पीरियड को बढ़ाया जाएगा और कह सकते हैं कि 1 स्टेप अहेड हो चुका है, लॉकडाउन का जो पीरियड है उसको 3 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच में कुछ बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं कि सख्ती से हमें अब तमाम चीजों को पालन करना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा और एक साथ संकल्पित होकर के हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है ताकि हम कोरोना की लड़ाई को हरा पाएं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री ने मुख्य जिन बातों पर फोकस किया है उसमें न सिर्फ उन लोगों की तारीफ की जो कोरोना के खिलाफ इस जंग में लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, पूरे देश का उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने माना कि ये संकट की घड़ी है और इसमें हमें डिसिप्लिन में ही रह करके इससे हम जीत सकते हैं और इस जंग को हम फतेह कर पाएंगे। इनफैक्ट अपने इस पूरे संबोधन में उन्होंने भारत की, हालांकि इसको स्पष्टता से कहा भी कि तुलना करना तो ठीक नहीं होगा किसी अन्य देश से, लेकिन जिस वक्त बाकी तमाम देशों में इससे जो हालात थे वो बहुत खराब थे, उस समय ही भारत इस बीमारी से चेतते हुए न सिर्फ एयरपोर्ट पर लोगों की बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहा था, जांच करने लगा था, और अब जब जिस समय बाकी देशों में भी इस बीमारी की आहट हुई, और अगर भारत की बात की जाए तो तुलना में हमारी स्थिति औरों से बहुत बेहतर है। उसमें चाहे हम अमेरिका का ही जिक्र क्यों ना करें, ये एक ऐसा समृद्ध देश है जिस पर हमेशा सारे विश्व की निगाह टिकी रहती है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका भी अपने देश में इस हालात को नियंत्रित नहीं कर पाया, और अगर भारत की बात की जाए तो कोरोना के केसेस जिस तरीके से कंट्रोल्ड हैं, ये कहीं ना कहीं तारीफ काबिल बात है कि हमारे इंतजामात और जो हमारी तमाम अलर्टनेस थी उसकी वजह से ही स्थिति अभी नियंत्रण में है। क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, 21 दिन का लॉकडाउन था, ये उन्होंने माना कि वाकई गरीबों के लिए बहुत मुश्किल का समय है और लोगों को नौकरी से ना निकाला जाए, इस चीज की अपील भी उन्होंने की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लॉकडाउन के अलावा और कोई समाधान नहीं है, और क्योंकि समाधान नहीं है लोगों को इसे अभी भी उतनी ही संजीदगी से पालन करना होगा, रिव्यू किए जाने की भी बात की है। हालांकि एक पूरा जो कुछ गाइडलाइंस हैं जिसे कल तक जारी किया जाएगा, कुछ नए दिशा निर्देशों के साथ में गाइडलाइंस जारी होंगे, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि कुछ इंडस्ट्रीज को छूट दी जाएगी, खास करके वो जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए चीजें हैं, क्योंकि अब दुकानों में सामान खत्म होने लगा है और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा वो सामान नहीं पहुंच पाएगा, लिहाजा मुमकिन है हम ये मान सकते हैं कि इनको रियायत मिलेगी। रेलवे सेक्टर को लेकर के अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मालवाहक जो ट्रेन चल रही हैं इसके अलावा बाकियों को फिलहाल आवाजाही की छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर इंटरस्टेट ये सर्विसेज चालू रहती हैं तो हालात कंट्रोल नहीं हो पाएंगे और जो पूरा एक मोटो है इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इसको सख्ती के साथ में पालन करना है, रिव्यू होगा, और अगर लगता है जब रिव्यू किया जाएगा, मूल्यांकन होगा, जहां जहां पर जिस तरीके के हालात हैं और लॉकडाउन के जो नियमों का मूल्यांकन करते समय अगर
कर पाया गया कि कुछ जगहों पर इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, तो और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, इस चीज का हिंट भी दिया है प्रधानमंत्री ने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अभी लॉकडाउन के नियम और सख्त होने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम जिस फेज में हैं, अगर अब यहां से लापरवाही होती है तो स्टेज 3 तक जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जिस तरीके से उन्होंने इनफेक्ट इस चीज का जिक्र किया कि जब हमने 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया था तब 551 मामले देश में थे, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद इस वक्त जो आंकड़े हैं ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि स्थिति कितनी भयानक है। और अगर हम इसको अभी गंभीरता से नहीं लेते हैं, जो 19 दिन का ये और लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है, अगर अब इसमें हम लोग नहीं चेते तो स्थिति संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंतजाम पूरे हैं, तैयारियां पूरी हैं, लोगों के लिए कुछ चीजों की ताकीद भी की गई है, जिसमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य से लेकर के आरोग्य सेतु जो इनका ऐप है उसको किस तरीके से लोग संजीदगी से लें और उससे किस तरीके से फायदा होगा, इन तमाम चीजों का जिक्र भी उन्होंने अपने 7 सूत्रीय अपील में किया है देश से। उम्मीद यही की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने जो ये अपील किया है इसका फायदा होगा और जो हम लोग कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर के जंग लड़ रहे हैं उसमें फतेह हासिल होगी। जी बिल्कुल प्रीति, और हमारे साथ कोमल भी जुड़ गई हैं। कोमल, जैसे कि हमने सीधे तौर पर समझने की कोशिश करी है, कह सकते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में हम सबको एक और होमवर्क मिल गया है और हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है कि हमें हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, हमें कोरोना को हराना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन चीज़ों का जिक्र किया है कि हमें धैर्य को अपनाए रखना होगा, नियमों का हमें सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि छूट की उम्मीद की जा रही थी लेकिन सख्ती से अब लॉकडाउन का हमें पालन करना पड़ेगा। और खास तौर पर 20 अप्रैल तक जिस तरह से भी हम जिक्र भी कर रहे हैं कि सघन निगरानी रखी जाएगी लॉकडाउन के दौरान, हॉटस्पॉट एरियाज को स्पेशली देखा जाए, और बहुत सी चीज़ों का और भी जिक्र किया गया जिसमें यह भी कहा गया कि राशन से लेकर के दवा तक की जो चीज़ें हैं इनकी इनके भंडार हैं, इनकी कोई कमी नहीं है, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो रोज़मर्रा के काम में थे, डेली वेजिस पे काम करते थे, किसानों की बात करें या दिहाड़ी मजदूरों की बात करें, तमाम ऐसे लोग थे जो कि अब परेशान थे, उनको अगर हम समझना चाहें तो उनके लिहाज से अब इस स्थिति को कैसे देखें, क्योंकि 3 मई तक के लिए अब ये पीरियड बढ़ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि प्रधानमंत्री के इस संबोधन का जो ऑल ओवर है कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरीके से लॉकडाउन का नियमों का पालन करते आए हैं उसका पालन आगे करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और जिस तरीके से दूसरी बात आपने कही कि जिस तरीके से हर रोज खाने कमाने वालों की बात अगर हम करते हैं तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनते हैं, सुना था हमने, तो उसमें ये कहा था उन्होंने साफ तौर से कि जो हर रोज कमाने खाने वाले हैं उनकी इस लॉकडाउन के दौरान परेशानियां बढ़ी हैं और बढ़ती हैं, लेकिन वो मेरा परिवार है और वो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो उनका खास तौर से ध्यान रखने की बात कही है। जो उन्होंने अपनी 7 मांगे बोली हैं, उन 7 मांगों में देखिए, जो जनता आम है या खास है, कोई भी कैसी भी जनता है, उसमें उन सबके लिए बोला है लक्ष्मण रेखा पार ना करे, जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की है, ऐप अपना डाउनलोड करे आरोग्य ऐप, साथ में जो है आयुष मंत्रालय के जो दिशा निर्देश है, जो उन्होंने इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात कही है आयुष मंत्रालय ने, उस पर ध्यान दें, आप अगर घर में बैठे हैं या बाहर निकल रहे हैं, जहां भी गरीबों का के हर एक परिवार का जिम्मा, ये पहले भी बोलते आए हैं कि हर परिवार जो है, हर परिवार का, गरीब परिवार को समझे, उनका जिम्मा उठाए, उनके लिए भी कुछ करे। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है उनको सम्मान दे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके की घटनाएं आई सामने, उसमें डॉक्टरों पे अटैक, पुलिस पे अटैक, उसको देखते हुए उन्होंने अपनी एक इस मांग में इसको भी शामिल रखा है, बुजुर्गों का खास तौर से ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज किसानों की बात उन्होंने खास तौर से कही है, किसानों को थोड़ी छूट देने की बात कही है, क्योंकि रबी की फसल देखिए जो कटने का टाइम आ रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो किसानों के लिए राज्य सरकारों से भी अपील की है कि किसानों को खास तौर से उनका ध्यान दे। जो युवा वैज्ञानिक है उस पर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि युवा वैज्ञानिक है उनकी हौसला अफजाई करते वो उन्होंने कहा कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसके में मानव कल्याण के लिए उसको बनाने के लिए कोशिश करें, आगे आए अपना सहयोग। बिल्कुल, तो लगातार अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, वैज्ञानिकों का भी जिक्र आपने बिल्कुल सही कहा कि वैज्ञानिकों को ये कहा गया है कि वैक्सीन बनाने में अपना सहयोग दें, क्योंकि कोरोना को लेकर के अभी तक
दुनिया भर में वैक्सीन प्रिपेयर नहीं हो पाई है। यही बड़ी वजह है कि देश में और दुनिया भर में अगर हम देखें, अमेरिका जैसा बड़ा देश, सुप्रीम पावर कंट्री हम कहते हैं, वहां पर हजारों की तादाद में लोगों की जाने जा रही हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं, मुंबई से वसीम जुड़ गए हैं, आगरा से हमारे साथ अनिल शर्मा जुड़ गए हैं और जयपुर से हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं। वसीम, आपके पास आना चाहेंगे। महाराष्ट्र में तो पहले कह दिया गया था 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन अवधि बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब 3 मई, कितनी तैयारी दिखती है आपको, कितना तैयार लगता है कि लोग इसको किस लेवल पर अब देखेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के लोगों को, जो महाराष्ट्र के अपने लोग हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रवासी जो मजदूर आए हुए हैं महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई, नागपुर, पुणे, ये लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। थोड़ी सी उम्मीद थी प्रधानमंत्री से कि वो कोई कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए ट्रेन चालू करेंगे और ये अपने अपने घर जा सकेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया है। मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। कितने कंस्ट्रक्शन साइट के जो मजदूर होते हैं वो काम कर रहे थे, अचानक लॉकडाउन हुआ और उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भाग गया, वो सड़कों पर आ चुके हैं। कितने गारमेंट के कारखाने यहाँ पर थे, वो उनके जो मालिक थे वो गायब हो गए और वो सड़कों पर आ चुके हैं। तो इस तरह के लोग वो बहुत ज्यादा परेशान थे, वो उम्मीद कर रहे थे कि आज अगर प्रधानमंत्री लॉकडाउन की बात करेंगे और कुछ ट्रेनें चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको अपने घर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला, ये सड़कों पर है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, धारावी जैसा इलाका है जहां पर 750 लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, लगातार वहां पर कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 55 आंकड़ा आज हो चुका है और 2 की आज मौत हो गई है, तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है धारावी में। वर्ली का इलाका है जहां पर 250 के आसपास जो कोरोना के मरीज पाए गए हैं। ऐसे कई ऐसे इलाके हैं मुंबई में, खासतौर से मुंबई में मरने वाले की संख्या 105 के आसपास हो चुकी है, महाराष्ट्र में 160 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ नंबर जरूर बढ़ रहा है। सरकार ने पहले ही लॉकडाउन बढ़ा दिया था, 3 दिन और बड़ा कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था फिलहाल उस तरह से काम नहीं हो पा रहा। सरकार से जब भी बात करते हैं उनका कहना है कि यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है, मुंबई की खासतौर से बात करते हैं जब इनसे, तो इनकी आबादी इतनी ज्यादा है, इतनी भीड़ है, फिर भी जो किए हैं हमने बहुत अच्छा काम किया है, कंट्रोल में है इस वक्त, उनका ये कहना है। और दिखता है थोड़ी बहुत जगह पर जहां हाई प्रोफाइल इलाका है वहां जरूर दिख रहा है, लेकिन स्लम के इलाकों में अभी भी लोग मानने तैयार नहीं है, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह कि सरकार सख्ती की बातें करे तो किस तरह की और सख्ती करेगी जब इस नंबर को रोक पाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये एक हफ्ते और बहुत ज़्यादा प्रीशियस होने वाले हैं, एक हफ्ते को मॉनिटर किया जाएगा और बिल्कुल जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि कौन कौन से वो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, कहाँ पर कमी आई है केसेस में, वहाँ पर रियायत भी दी जाएगी, इस चीज़ का जिक्र है। हालांकि कल जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जाएंगी, उसके ऊपर और तमाम चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन चलिए, हमारे संवाददाता आगरा से अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं। अनिल, 3 मई तक के लिए लॉकडाउन अवधि बढ़ा दी गई है, क्या समझें यूपी के लिहाज से, समझें कितना प्रिपेयर, 3 मई तक के लिए कितनी तैयारी समझें? देखिए, बिल्कुल, यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है और यहाँ अगर हम बात करें तमाम जो गाइडलाइंस यहाँ पहले से ही दे रखी थी योगी जी ने, क्योंकि ये जो वक्त था वो बढ़ने वाला था, ये पहले से ही आगाह कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो लोग घरों में कैद हैं उन लोगों को, यहाँ 100% लॉकडाउन भी है, लेकिन उन लोगों को खाना कैसे पहुँचे, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो कैसे पहुँचे, अब इस लिहाज से यहाँ तमाम जो मिल्स हैं, यानी कह सकते जो आटा मिल है वो आटा खत्म हो गया है, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही उसको चेक कर लिया था कितना आटा है, कितना जरूरत है आगरा के लिए, तो उन लोगों को पहुंचा देगा, लेकिन वो अब आटा धीमे धीमे सब खत्म होता जा रहा है, गोदाम खाली होते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब उन लोगों को प्रशासन एक एक कर बुला रहा है, उनको अनुमति दे रहा है कि वो कुछ अपने जो कारीगर हैं या जो अपने जो चलाने के जो साधन हैं उनको शुरू करें ताकि आटा लोगों तक पहुँच सके, दाल है उनको लाया जा सके, यानी और जो खाद्य सामग्री है वो घर घर तक कैसे पहुंचाई जाए, इन सब को विचार कर रहा है। और आज से ही ताजनगरी आगरा के अंदर जो प्रशासन ने पूरे लोगों के साथ बैठक की है, जो चाहे वो दाल मिल वाले हों, चाहे वो आटा मिल वाले हों, चाहे वो तेल के मिल वाले हों, तमाम लोगों के साथ एक बैठक की है, उनको संदेश दिया है कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है जो लोगों तक पहुँच सकती है, कितनी खाद्य सामग्री है और आपको कितनी खाद्य सामग्री जरूरत है, ताकि ये सब इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचानी है। तो ये सब अब प्रशासन पहल कर रहा है, क्योंकि देखिए धीमे धीमे बड़े बड़े गोदाम जो पहले से भरे हुए थे वो अब खाली हो चुके हैं, तो वाकई प्रशासन को ये पहल करनी होगी, क्योंकि लॉकडाउन का समय बढ़ता ही जा रहा है, अब 3 मई के लिए हुआ है और आगे भी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो तैयारी है प्रदेश के अंदर वो अब शुरू हो चुकी है। हम बता दें आपको, कुछ समय के लिए ट्रक भी आ जा रहे हैं, बड़े जो वाहन हैं उनको भी आने जाने की अनुमति दी गई है, वाहन पास लगाए गए हैं ताकि वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो जरूरत की चीज़ हो, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। तो ये जो क्रम है
प्रदेश के अंदर चल रहा है, क्योंकि जब तक ये क्रम नहीं चलेगा तो शायद ये जिंदगी है ठहर जाएगी। इसलिए लोग अब आगे आए और प्रशासन ने अनुमति देना शुरू कर दिया है, पास बनाना शुरू कर दिया है, ताकि खाद्य जैसी सामग्री जो जरूरत की चीज है उनको लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि कुछ लोग परेशान ना हो, क्योंकि लॉकडाउन का समय आगे बढ़े या ना बढ़े ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल लोगों को जरूरत जो है उस सामान को पहुंचाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और लोगों को अब समझना भी होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 10,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि जिस दिन लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की बात जिस दिन से लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की जा रही थी, लॉकडाउन के अनाउंसमेंट की जा रही थी, उस समय तक 551 केसेस थे, लेकिन आज अगर ये आंकड़ा बढ़ चुका है तो यकीनन मानना पड़ेगा कि बहुत ही खतरनाक स्थिति पर हम लोग हैं और हमें और कड़े नियमों का पालन करना होगा। प्रशांत हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये तो मानना पड़ेगा कि देश की सुरक्षा जो है अब हमारे खुद के हाथों में भी है, हर नागरिक की अपनी एक जिम्मेदारी बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉटस्पॉट्स जो हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और जहां कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा वहां पर रियायत भी दी जाएगी। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर एक ऐसा एरिया रहा है जो कि हॉट जोन में रहा है, हॉटस्पॉट में रहा है, काफी मामले यहां पर देखने को मिले हैं। और अब हम समझे राजस्थान के लिहाज से भी बता पाए, 3 मई तक की अवधि को बढ़ा दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल संबोधन की बात आई कि वो आज संबोधित करेंगे, उससे पहले 3 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से अपनी कैबिनेट के साथ, बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ, उसी के साथ साथ अपने व्यवस्था करने वालों के साथ एक बैठक उन्होंने की। उन्होंने इस तरह का लॉकडाउन करने की बात की जिसमें मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात करने की जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में 4 तरह का श्रेणी लगाई गई थी, जिसमें एक हाई, एक मीडियम, एक लो और एक नो, तो ये 4 तरह का जोन लगाने की बात की गई थी। और साथ में ये भी कहा था जिस तरह से केंद्र सरकार चाहेंगे उस तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के सामने आके कह दिया कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि सबसे ज्यादा जो हॉटस्पॉट है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जैसा कि आपने बताया। और अगर मैं आंकड़े पर जाऊं तो 418 पॉजिटिव केस सबेरे 9 बजे तक आ चुके हैं और आज का दिन जयपुर के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि आज 48 केसेस एक साथ सिर्फ जयपुर में आए और राजस्थान पूरी तरह से क्लीन था। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से राजधानी को बेहतर बनाने की कवायद की जाएगी उसका क्या परिणाम निकलेगा। हालांकि जिस तरह का स्लोगन है राजस्थान का कि राजस्थान सतर्क है, वो सिर्फ स्लोगन ही है, क्योंकि रामगंज का जो इलाका है जो जयपुर का, वो लगातार कोरोना पॉजिटिव से बढ़ता ही जा रहा है। उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कहते हैं कि हम सख्ती बढ़ाएंगे, हम आरएसी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि अब वो समय आ गया है कि जब सख्ती बढ़ाने की जरूरत है, अब वो समय आ गया है जब लोगों पर जरा सा भी निकलने पर खासा इंतजाम करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग ही कर रहे हैं, वो एक बेहतर बात है, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकल रहा है, क्या आउटकम निकलने की जरूरत है वो बात साफ नहीं हो पा रही है। जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा हमें ये कहना पड़ेगा कि राजस्थान अभी भी सतर्क नहीं है। बिल्कुल, राजस्थान सतर्क नहीं दिखता है। प्रीति पांडे के पास चलेंगे। प्रीति, अभी जो ताजा आंकड़े सामने थे दिल्ली को लेकर के, अगर हम समझें, देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 4 और मौतें हुई, 356 नए केसेस आए, कुल जो संख्या है 1510 संक्रमित लोगों की पहुंची हुई है। और देश राजधानी दिल्ली से जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र की बात की जाए, इसके अलावा बाकी तेलंगाना की बात की जाए और दिल्ली की बात की जाए, 3 तो ऐसे राज्य बन चुके थे जो सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या यहां पर देखने को मिली है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अब दिल्ली वालों में इतना सब्र भी दिखाई दे रहा है कि 3 मई तक का जो लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दिया गया है उसको वो अब निभाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हमने देखा है कई जगहों पर गुस्सा भी लोगों का फूटा है, कई जगह पर हमने देखा है लॉकडाउन का पालन नहीं करते हुए भी लोग नजर आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आए हैं, सड़कों पर घूमते हुए नजर आए हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ये 3 मई तक का जो टारगेट दे दिया गया है अब उसको फॉलो करते हुए लोग दिखेंगे, समझेंगे कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है हमारी? क्योंकि
देखिए कंचन, क्योंकि आपने दिल्ली का जिक्र किया है और स्पेसिफिकली दिल्ली को लेकर के सवाल किया है कि दिल्ली क्या मानेगी, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है तकरीबन 17 मिनट पहले, और उनकी लाइन है दिल्ली विल फुल्ली इंप्लीमेंट पीएम्स लॉकडाउन मेजर्स। देखिए बाकी राज्यों ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी तो उसके बाद कुछ स्टेट्स ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि उनके यहाँ 30 अप्रैल तक अभी लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा। इस बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब बातचीत हुई थी तो उसमें सीधे तौर पर लॉकडाउन बढ़ाने का भी बात की थी, और उसमें 2-3 चीजों को स्पष्टता से कहा था कि ना तो रेल को खोला जाए, ना ही आप हवाई यातायात खोलें, और ना ही रोड ट्रांसपोर्ट खोलें। हाँ, जो गुड्स कैरियर्स हैं उनके लिए आपको छूट देनी होगी क्योंकि सामान की आवाजाही जरूरी है। लिहाजा अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक के लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात की है और दिल्ली इस वक्त देश में दूसरे नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन मरकज का, जिसे अब स्पेशल ऑपरेशन केस कहा जा रहा है, इनके मामले आए हैं, तो ऐसे में देखिए दिल्ली वाले चाहे मन से साथ हो या ना हो, उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, और अब मौतों की संख्या भी बढ़ने लगी है जो परेशान करती है। ऐसे में चाहे दिल्ली वाले मन से माने या ना माने, सख्ती भी लगाई जाएगी और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया ही जाना है और लोगों को अमल करना भी होगा, वरना अगर आज आप लोगों ने इसको अब संजीदगी से नहीं लिया तो हालात खराब होंगे। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जो लेबर क्लास है, जो रोज कमाती थी, रोज खाती थी, वो कुछ तो दिल्ली से पलायन कर गई, लेकिन जो फंसी हुई है उनके पास 2 वक्त की रोटी का ही सवाल है। आपने क्योंकि इसमें सवाल किया है, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के फौरन बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता लगातार ट्विटर पर झड़ी लगाए हुए हैं कुछ सवालों की, कि बाकी सब ठीक है, आपके इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, समर्थन भी करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस वक्त लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है इस बीमारी से लड़ने का, लेकिन प्रधानमंत्री जी साथ साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आपके पास रोड मैप क्या है, कम से कम गरीबों के लिए, वो लोग जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, उसका उपाय किस तरीके से किया जाए। और साथ ही साथ, क्योंकि जो मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें कांग्रेस पार्टी ने लगातार यही कहा था कि जो राज्यों का पैसा है, चाहे उसमें मनरेगा का पैसा हो या फिर बाकी तमाम जो सीएम फंड जो होता है उसमें जो पैसे पहुंचाए जाने चाहिए थे या फिर जो जीएसटी का रिफंड होना चाहिए था, उसे आप जल्द से जल्द रिलीज कराएं। पी चिदम्बरम ने अपने ट्विटर पर बाकायदा झड़ी लगाते हुए ये कहा है कि हम इस लॉकडाउन एक्सटेंशन के ऐलान का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के इस नए साल के जो लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर के जो स्पीच है, इसमें नया क्या था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नए साल का बाकायदा अनाउंस किया था इस अपनी स्पीच में, कि क्योंकि नया साल भी जो है वो शुरू हो चुका है, कई जगहों पर जो है उत्सव का माहौल भी है, लोग ये बात अच्छी है कि घरों में ही उत्सव मना रहे हैं इस नए साल के बीच में, तो प्रधानमंत्री ने जब नए साल के इस दरमियान एक स्पीच दिया है तो इसमें नया क्या है, और साथ ही साथ ये फंड कब तक रिलीज कराएंगे, क्योंकि 25 मार्च 2020 के बाद से कोई भी फंड जारी नहीं किया गया है, जबकि स्टेट जो है लगातार अपने फंड को रिलीज करने की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए विपक्ष जो है, हालांकि लॉकडाउन एकमात्र उपाय है इस बात से सभी कोई तस्दीक रख रहे हैं, लेकिन गरीब जो फंसे हुए हैं, गरीबों को जो पैसा नहीं मिल पा रहा है और 2 वक्त के लिए जो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, फिर चाहे तमाम तरह के एजेंसीज या एनजीओज या फिर संगठन या फिर सरकारें भी खाना खिलाने का काम कर रही हैं, लेकिन क्या हर कोई अभी भी 2 वक्त की रोटी पा पा रहा है, ये सवाल है, और इसी सवाल को लेकर के पूछा गया है कि आपके पास रोड मैप क्या है। और साथ ही साथ कुछ ट्वीट्स और आए हैं जिसमें डॉक्टरों को लेकर के जो पीपीई किट की बात की जा रही है, इसको लेकर के एक बार फिर से सवाल किया गया है कि प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए कि ये पीपीई किट्स कब तक मुहैया हो पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं और अब तो केसेस आने लगे हैं कि डॉक्टर भी कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर सात बातों के साथ साथ की मांग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। वसीम, आपके पास आएंगे, यही सवाल मेरा आपसे भी था कि सब्र का बांध भी लोगों का टूटता हुआ नजर आया है, रोजमर्रा का काम करने वाले मजदूर, दिहाड़ी लोग, जो गरीब लोग हैं उनकी अपनी दिक्कतें हैं, 2 वक्त की रोटी को उनको जुगाड़ कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब जब लॉकडाउन की पीरियड जो है 3 मई तक चली जाएगी जो पहुंचा दी गई है, किस तरह से वहां के हालातों को देखें। धारावी की हम जिक्र करेंगे, यहाँ पर स्लम एरिया है, वहां पर सबसे ज्यादा हमने देखा है कि आंकड़े जो बड़े हैं उनमें एक बड़ा जो आंकड़ा है वो यहां से देखने को मिला है। स्लम एरिया में जो लोग हैं शायद अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये महामारी कितनी खतरनाक हो चुकी है और लोगों की जाने किस लेवल तक जा रही है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र पहुंचा हुआ है इस समय।
देखिए महाराष्ट्र के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे इनकार नहीं, लेकिन आप अगर बात करेंगे धारावी, मालोनी, गोवंडी, इस तरह के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो स्लम होते हैं, मुंबई की झोपड़पट्टियां होती है, 10x20 के रूम होते हैं, 10x15 के रूम होते हैं, यानी 150 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट के जो घर होते हैं, वहां पर 6 से 7 लोग अपने घरों में रहते हैं, संकरियां गली होती है, हवा पानी आने के लिए जगह नहीं होती है, और लोग अपने घरों में 24 घंटे कैसे रह सकते हैं, बड़ा सवाल है। जब भी आप अगर उस इलाकों में जाओगे तो आपको खुद दंग हो जाओगे कि घर में इतने लोग रह नहीं सकते, इसीलिए लोग सड़क पर आ जाते हैं। तो वसीम, बड़ा सवाल यहाँ पे यही बनता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे समझेंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है? छोटे छोटे झुग्गियों में, छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, जहां पर एक एक छोटे छोटे घर के अंदर 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो पाएगी? ऐसी स्थिति में तो गंभीरता और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, खासतौर से मुंबई महानगर पालिका के लिए चुनौती है, महाराष्ट्र सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि जब भी झोपड़पट्टी में जा रहे हैं काम करने के लिए, पुलिस जा रही हो, महानगर पालिका के जा रहे हो, तो वहां पर उनको बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस भी डरती है कि बहुत सारे लोग एक साथ अगर भीड़ बना के आ जाएंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस रखना है, तो वो इन इलाकों में जा नहीं पाते। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, अलग अलग तरीकों से नजर रखी जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने तैयार नहीं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, घर में आप 24 घंटे रह नहीं सकते, सड़क पर निकलते हैं तो भीड़ बनाकर रहते हैं, पुलिस समझाती है लोगों को, वहां के स्थानीय नेता लोगों को समझा रहे हैं कि आप अगर निकलना है तो एक एक करके निकलिए और कुछ डिस्टेंस रखिए, लेकिन लोग इसके लिए मानते नहीं है, ये साफ देखने मिल रहा है। इसीलिए कई चीजें, कई कदम उठाए गए, जैसे सब्जी मार्केट है उसको मैदान में शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई के हर इलाके में जहां भी सब्जी मार्केट है उसको मैदानों में शिफ्ट कर दिया गया है, कई इलाकों में यह है कि पूरी तरह इलाका सील कर दिया गया, पुलिस खड़ी कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बेसिक जरूरतों के लिए जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर आपको भीड़ नजर आती है। तो सरकार है पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक चीज है कि इनके लिए अलग से मैदान बनाए गए हैं कि आप वहां जाइए, वहां रहिए, लोग वहां से हिलने तैयार, क्योंकि खाने पीने का जो इंतजाम है वो बराबर नहीं हो पा रहा है, गरीबी इतनी ज्यादा है, झोपड़पट्टियों में गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोगों ने शुरुआती दौर में लोगों ने जरूर मदद की, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तो मदद के हाथ भी अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग काम ही नहीं कर रहे कि दूसरों की मदद कैसे करें, यह हालात इस वक्त बने हुए हैं। यहाँ के पार्षद जो है महानगर पालिका से अपील कर रहे हैं, जो हमारा फंड है वो हमें दीजिए, हम इनको खर्चे में, इनके खाने पीने में खर्च किया जाए, गटर नाले बने कि नहीं बने, चुनाव में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा, हमसे ये पूछा जाएगा कि हम जब भूखे मर रहे थे आप कहाँ थे, तो उस फंड को मांग कर रहे हैं इनके खाने पीने पर खर्च करने के लिए, अब तक फैसला नहीं लिया गया सरकार। बिल्कुल, तो इन गरीबों की देखरेख की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील के माध्यम से की है कि इनकी भी देखरेख करें, लेकिन चलिए कोमल आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बातों का भी को फोकस किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनका सम्मान करें, और नौकरी जो पेशा लोग हैं उनको नौकरी से ना निकालें, संवेदनाएं उनके प्रति रखें। कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा बड़ा अपना संबोधन नहीं दिया है, लेकिन मोटी मोटी बातों के माध्यम से अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने बहुत बिना किसी लाग लपेट के अपनी बातें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ रखी, और जिसने, जैसे कि मैंने अपनी पहली बार कहा था कि उन्होंने हर वक्त का ध्यान रखा कि कोरोना वॉरियर्स जो है, जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स, मेडिकल टीम है, पुलिस वाले हैं, इनको पूरा सम्मान दीजिए, क्योंकि अभी यही वो लोग हैं जो इस पूरे मिशन में एक तरह से रीढ़ की हड्डी हैं, और क्योंकि इनको जिस तरीके से डॉक्टर और मेडिकल टीम अपनी परवाह किए बिना लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अभी तक इतने दिनों से, महीने से अपने घर तक नहीं गए हैं, सफाई कर्मचारी है, इन मुसीबतों को लेकर के वो घर से बाहर निकलते हैं, हर तरह का कूड़ा करकट वो उठाते हैं, सफाई करते हैं, सफाई बहुत जरूरी जिस तरीके से है, सैनिटाइजेशन का काम है। बिल्कुल, चलिए अनिल आपके पास भी आएंगे, और छोटा सा सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि कई लोगों को उम्मीद थी कि जिन जिन राज्यों में वो फंस चुके हैं इस लॉकडाउन की वजह से, वो वहां से निकल नहीं पाए, सीमावर्ती इलाकों की अगर बात करें, लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, निराशा हाथ लगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि बेशक थोड़ी सी टेंशन बनी है, लेकिन गंभीर परिणामों से बचने के लिए ये टेंशन सही मान लेंगे हम। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि बस हो, ट्रेन हो, या कुछ ऐसे व्हीकल्स जो चलें ताकि लोग फंसे हुए उनको लाया जा सके घर, लेकिन वो अब नज़र नहीं आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बताया है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद घर में लॉक रहें, आप खुद इसको पूरी तरह से अपनाएं, तो कह सकते हैं कि जो लोगों को उम्मीद थी वो शायद पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी लोग अपने कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए, लेकिन जिला स्तर पर यानी प्रशासन अपने स्तर पर कोई पास ऐसे इशू करे या उनकी लाने की कोई व्यवस्था करे, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाया जा सके। कल गाइडलाइंस जारी होंगी, उसका भी सब इंतजार करेंगे।
लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता दें कि 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि देशवासी पूरा इसमें सहयोग देंगे। आप सभी का शुक्रिया लगातार हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में भी बस इतना ही और आप सबसे भी कहेंगे अपना पूरा पूरा ध्यान रखें और घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। सारा प्रणाम।